सो हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चाटे मारने वाले इफेक्ट कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप फिल्म या किसी सीरियल्स के अंदर देखते होंगे कि वो चाटा मारता है, इतनी जोर से आवाज आती है, यानी कि उसको मार दिया हो। तो आज वैसे ही कुछ इफेक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी वीडियोस के अंदर सिनेमैटिक इफेक्ट कैसे डालें। चांटे वाला इफेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ। आपको फर्स्ट सीन कैसे लेना है वो भी मैंने बता रखा है इस वीडियो के अंदर, और सेकंड सीन कैसे लेना है वो भी मैं इसके अंदर बता रखा हूँ दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कुछ कंटेंट अच्छा लगे तो। और भी चैनल को खोल के देख लीजिएगा वीडियो कैसी लगती है। वीडियो के बारे में कोई भी सवाल और सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिख देना। थैंक यू सो मच। तो मैं आपको सबसे पहले ओरिजिनल क्लिप दिखा देता हूँ जो मैंने वीडियो की बना रखी है। तो मैं गैलरी में जाऊँगा, जो मेरी ओरिजिनल क्लिप्स हैं मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ओरिजिनल क्लिप यहाँ पे है मेरी। तो पहले वाली जो है, पहले वाली क्लिप ये रही, इसको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसे थी, दोबारा देखिए, ये पहले वाली क्लिप कुछ ऐसे थी और जो दूसरी वाली क्लिप है वो कुछ है ऐसे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दूसरी वाली क्लिप ऐसे है। और मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करूँगा इसको एडिट करने के लिए वो है पावर डायरेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले वो दो सीन ले लेने हैं जो आपने अपने एक मोबाइल के कैमरे से लिए थे। तो मैंने वो सीन ले लेता हूँ। वो सीन तो डाउनलोड्स में नहीं है, यहाँ पे है, कैमरे में जाता हूँ। और ये रहा फर्स्ट वाला सीन और ये रहा सेकंड वाला सीन। आपको दोनों सीन इस एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेने हैं और अपने टू फिंगर्स की सहायता से टाइमलाइन को थोड़ा बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे पकड़ के रखना है इसको और धीरे 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 आगे करना है इसको। और जैसे ही हाथ गाल के पास पहुँच जाए और आगे करना है थोड़ा सा, जैसे ही गाल हाथ के पास पहुंच जाए, हाँ यहाँ पे रख के आपको कट कर लेना है और जो आगे वाला सीन है उसको क्लिक करके डिलीट कर देना है। आगे वाला सीन था वो मैंने डिलीट कर दिया है और जो अब इसके आगे वाला सीन है उस पर क्लिक करना है और थोड़ा आगे बढ़ाना है धीरे 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 धीरे। गाल के पास हाथ आ जाए वहाँ पे आपको रोक देना है। यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे मैं कट करूँगा और ये बीच वाला सीन है इसको डिलीट कर दूंगा और ये बिल्कुल फिक्स बैठ चुका है। अब अपना काम है ओनली साउंड इफेक्ट लगाना। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं ऑडियोज़ में जाऊँगा और यहाँ पे है साउंड इफ़ेक्ट। अगर आपको भी साउंड इफ़ेक्ट चाहिए तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है कि आप साउंड इफ़ेक्ट कैसे ले सकते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, बैक डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो साउंड में आपको बीच में जो ग्राफ दिख रहा है दोस्तों, आपको ये बीच में ग्राफ दिख रहा होगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ तक इस साउंड को क्रॉप कर लेना है। मैं कट कर लेता हूँ इसको, छोटा करूँगा। तो पहला यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ छोटा, हाँ, और ये यहाँ से भी थोड़ा कर लूँगा छोटा। ये मैंने यहाँ से कट कर लिया है पूरे। अब आपको पकड़ना है और यहाँ पे बीच में आना है, यहाँ पे आपको साउंड इफ़ेक्ट को छोड़ देना है और इसकी आवाज़ आपको कर देनी है फुल। आप इसकी आवाज़ फुल कर दीजिए और अब मैं इसको करता हूँ प्रोड्यूस, फिर आपको दिखा देता हूँ। मैं वीडियो को कर देता हूँ प्रोड्यूस। ये वीडियो प्रोड्यूस होने वाली है, लगभग थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें, ये वीडियो प्रोड्यूस हो सकती है। मैं आपको प्ले नाउ करके दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे लगती है ये।